हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू pride.com। और जस्ट 2 मिनट इन्फॉर्मेशन देनी है मैंने आप लोगों को कि मैं AFO सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ। एंड एक्चुअली मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ एफओ का, एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई विल बी कवरिंग अप एवरी सब्जेक्ट डे बाय डे। एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो करंटली, और मैंने एंटोमोलॉजी से शुरू किया है। ठीक है, सो बेसिकली मैं बिल्कुल छोटी सी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगी। और आज हम टेरिकोटा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं सारा। ठीक है, सो टेरिकोटा में जैसे 4 ऑर्डर्स आते हैं उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स लॉन्ग वीडियो होगा, और ज़्यादा लंबा वीडियोज नहीं बनाऊंगी। और टेरिकोटा को हम नेक्स्ट टाइम अब कवर करेंगे। ठीक है, और पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे फॉर एंटोमोलॉजी। फाइन, सो लेट्स जस्ट बिगिन। सो एंटोमोलॉजी जो है ना वो ग्रीक वर्ड से आता है। एंड ग्रीक, ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज समटाइम्स ये सिली क्वेश्चंस भी पुट अप आउट हो जाते हैं, दैट एंटोमोलॉजी जो वर्ड है दैट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। सो दैट्स हाउ इट मीन्स टू स्टडी द इंसेक्ट्स। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो अच्छे से पता ही होगा, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफ यू आर एग्रीकल्चर स्टूडेंट। फाइन, लेट्स जस्ट मूव। सो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इज विलियम किर्बी, रिमेंबर दिस नेम। ठीक है, और इंसेक्ट्स क्या होते हैं? दे आर कोल्ड ब्लडेड। फाइन, बेसिकली आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी इंफॉर्मेशन क्यों दी जा रही है। इन एग्जाम्स यू डोंट रिमेंबर दिस छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, समटाइम्स यू डू मिस्टेक्स, एंड जस्ट मेकिंग योर कंसेप्ट क्लियर इज मोर इम्पॉर्टेंट। फाइन, सो कोल्ड द इंसेक्ट्स जो होती हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन्स दैट दे के नॉट कंट्रोल और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। फाइन, सो उसके बाद हम थर्मल कॉन्स्टेंट एक टर्म होती है, एंड दिस पॉइंट आई हैव टू फ्रॉम नेमराज ओनली। सो समटाइम्स वी जस्ट मिस आउट द स्मॉल इंफॉर्मेशन, वी रीड आउट द बिगर इंफॉर्मेशन, ग्रेटर चांस ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैरी इन आर ब्रेन, बट वी डोंट रिमेंबर द सिंपलर वंस। सो आई एम जस्ट नाउ फोकसिंग ऑन द सिंपलर वंस, एंड देन आई विल बी फोकसिंग ऑन द मोर काइंड ऑफ प्रिसाइज इन एवरीथिंग, आई विल बी कवरिंग अप डे बाई डे ग्रेजुअली। फाइन, सो वट इज द थर्मल कॉन्स्टेंट? वॉट इज द थर्मल कॉन्स्टेंट? सो थर्मल कॉन्स्टेंट इज लाइक द इट्स एक्चुअली अ कॉन्स्टेंट, बिकॉज कॉन्स्टेंट ऑफ वट इट टेल्स अस दैट द टोटल हीट, फॉर एग्जाम्पल द टोटल हीट इज रिक्वायर्ड टू डू सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, दैट इज कॉन्स्टेंट। सो दिस कॉन्स्टेंट एक्चुअली is denoting that kind of that constant heat that is required to do any particular kind of physiological process. Fine, and so how it is helpful for the researchers? For the researchers, it's helpful to study the phenology and the emergence time and the development stages in the insects. So this is how its importance is. Fine, so अब हम बात करते हैं द क्लासिफिकेशन, जस्ट नॉर्मल क्लासिफिकेशन। एंड इफ यू डू नॉट नो द ऑर्डर दैट दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, कीप पोर्ट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस, दिस इज अ ट्रिक। ठीक है, एंड सो द किंगडम हेयर वी आर डिस्कसिंग इज एनिमिलिया, एंड द फाइलम हेयर वी आर डिस्कसिंग इज आर्थ्रोपोडा, एंड द क्लासेस दैट वी आर कंसर्न्ड हेयर इज दीज आर हेक्सोपोडा एंड एरिकनीटा। सो हेक्सोपोडा मीन्स इंसेक्टा ऑल्सो, यू कैन राइट इट डाउन, एंड एरिकनीटा जिसमें स्पाइडर्स एंड माइट्स ये सब कुछ आता है। और यही दो क्लासेस है जो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेक्सापोडा को आगे लेके चलेंगे, अरिकनीडा के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज वो उसमें एक दो माइट्स आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेक्सापोडा का काफी लंबा चौड़ा काम है, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट मूव। सो इंसेक्टा, इसके थोड़े फीचर देख लो कि इसमें देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर। ठीक है, इसमें क्या है कि इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। फाइन, एंड दे हैव वन पेयर ऑफ एंटीना, दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स। अगर इस पिक्चर में देख लो, दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, दे हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स, एंड दे हैव द ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। एंड यू मस्ट बी नोइंग वॉट इज अ ट्रेकियल सिस्टम, लाइक ट्रेकिया आर प्रेजेंट ऑन द रेस्पिरेशन। फाइन, एंड ऑल्सो दे हैव हार्ट, दे हैव हार्ट विद ओस्टिया। ओस्टिया यू नो दैट देर आर स्मॉल ओपनिंग्स दैट आर प्रेजेंट, सो ओपनिंग्स इन द हार्ट आर स्मॉल ओपनिंग्स दे आर प्रेजेंट।
And the hemolymph is their body fluid, and their metamorphosis is present in insects. The metamorphosis is present, the gradual change. Fine. Metamorphosis, I'm supposing that you know what is metamorphosis, okay? So, excretion is through Malpighian tubules. Fine. और अगर इस टॉपिक्स को भी मैं बहुत क्लियरली और किसी वीडियो में कवर करूंगी सब कुछ, फिलहाल के लिए आप जस्ट इसको अगर आपको नहीं पता है तो रिमेम्बर करिए, अदरवाइज अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है. सो लेट्स जस्ट मूव टू क्लास. इंसेक्टा इज फर्दर डिवाइडेड इन टू इन टू टू ठीक है, द टू कैटेगरीज इट्स डिवाइडेड एज टेरिकोटा एंड एटेरिकोटा. सो इसी में इसमें हम ओनली इसमें चार ऑर्डर्स आते हैं फाइनली आगे. अटेरिकोटा में, आई एम सो सॉरी, ठीक है, मेरे से ये थोड़ा ना सही से चलता नहीं. अटेरिकोटा का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें चार ऑर्डर्स आते हैं, एंड चार ऑर्डर्स को मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी. एंड दे आर, इसमें ज़्यादातर क्या है कि विंगलेस ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, एंड दे इनमें मेटामॉर्फोसिस भी एब्सेंट होती है, और अगर होती भी है तो मैं आपको डिफरेंट टाइप की मेटामॉर्फोसिस जो बताऊंगी क्या होता है. एंड ऑल्सो दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सॉरी दे हैव द प्रीजेनाइटल अपेंडिसेस ऑल्सो, समटाइम्स दे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्डर. सो इसमें चार चार ऑर्डर्स आती हैं आगे, एंड वो आपको बताती हूँ. सो हेयर कम्स प्रोट्यूरा, इसमें आते हैं टेल्सन टेल्स. टेल्सन टेल्स मीन्स, सो इसमें क्या होता है कि इनमें एनामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसका ये होता है कि इवन दे इवन आफ्टर अटेनिंग द सेक्शुअल मेच्योरिटी, इनमें जो एबडोमिनल सेगमेंट्स होते हैं वो एड होते रहते हैं इवन आफ्टर दे अटेन द सेक्शुअल मेच्योरिटी. सो दैट इज एनामॉर्फोसिस, ठीक है. सो इनमें ये फीचर है, इसका ये फीचर्स बहुत अच्छे से याद कर लो. ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें एनामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है. एनामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है प्रोटूरा में, ठीक है. सो ये क्वेश्चन आता है. सो नेक्स्ट इज डाइप्लूरा. डाइप्लूरा का मतलब क्या है कि इनमें डाई मीन्स टू टेल्स. फाइन. सो इनको टू टेल्स ऐसा नाम क्यों दिया गया, बिकॉज यू कैन जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, देयर देयर टू सर्काई आर प्रेजेंट. फाइन. सो वो ऐसा लगता है कि जैसे इस ऑर्गेनिज्म के टू टेल्स हो, ठीक है. फाइनली, सो इनमें स्टाइलीफॉर्म अपेंडेजेस, ये यू कैन जस्ट लुक हेयर, दे हैव स्टाइलीफॉर्म अपेंडेजेस. लाइक स्टाइलीफॉर्म मतलब स्लेंडर एंड काइंड ऑफ पतली पतली अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. और इनमें मालपिजियन ट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती है, ये इनका फीचर है. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो, जो जो मैं स्टार कर रही हूँ दैट्स इंपॉर्टेंट. फाइन. इनमें मालपिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो उनका नामकरण मालपिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज पेपीले. ओके. सो नेक्स्ट इज मूविंग टू और द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ टेरिकोटा. सो टेरिकोटा का जो लार्जेस्ट ऑर्डर है दैट्स कोलम्बेला. सो कोलम्बेला में एक्चुअली स्प्रिंग टेल्स आती हैं. स्प्रिंग टेल्स इज एक्चुअली, ये एक्चुअली स्प्रिंग टेल्स, इनका नाम सही स्प्रिंग से ही पड़ा है. लाइक दे जस्ट जंप देयर, दे हैव अ यूनिक जंप. यू जस्ट लुक इट ऑन गो ऑन यूट्यूब और देखना कि ये कैसे जंप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूनिक जंप पहन किया, तो वो देखना आप जाके. अब इसके फीचर्स देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है. लाइक कोलोफोर इज प्रेजेंट इन, सो कोलोफोर इनमें प्रेजेंट होता है. लाइक दिस इज अ वेंट्रल ट्यूब, यू कैन जस्ट लुक एट हेयर. सो ये इनका फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, उनमें एक मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं कोलोफोर. सो ये इनको स्टेबल करने में लाइक हेल्प करती है. नेक्स्ट इज द यूनिक जंप्स, दे हैव द यूनिक जंप्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो देयर आर देयर फीचर्स, देयर मस्ट बी फीचर्स इन सम लेग्स जिनकी वजह से ये इतना ऊपर जाते हैं, इतना अच्छी जंप कर पाते हैं. सो दे हैव रेटिनाक्यूलम. सो इन द थर्ड सेगमेंट दे हैव रेटिनाक्यूलम, जो कि एक कैचिंग मैकेनिज्म की तरह होता है, सो दैट दे जस्ट होल्ड दैम. ओके. एंड देन इज फर्क्यूला. फर्क्यूला इज दिस इज हेयर, द फोर्थ एबडोमिनल सेगमेंट में फर्क्यूला प्रेजेंट होता है. सो जो रेटिनाक्यूलम होता है, ये एक्चुअली फर्क्यूला को टेंस करता है, टेंशन क्रिएट करता है, सो दैट इट कैन जंप सो हाई. फाइन. सो ये तीन चार फीचर्स हैं. दे ऑल्सो शो द बायोल्यूमिनेसेंस, लाइक जगते हैं, लाइक देयर बॉडी ग्लोज इन नाइट, दैट्स द बायोल्यूमिनेसेंस. तो ये सारे फीचर्स आ सकते हैं कि ये किसका फीचर है, ये पूछा जा सकते हैं. सो नेक्स्ट
मूविंग टू थाइजनूरा. थाइजनूरा इज एक्चुअली सिल्वर फिश. इसमें सिल्वर फिश आती है. इट्स नॉट दैट वन फिश, इट्स अ काइंड ऑफ फिश. फॉर एग्जाम्पल, जब आप बुक्स घर में बहुत टाइम तक रख देते हैं और बहुत पुरानी बुक्स पड़ी रहती हैं, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं आपको, जस्ट मिन्यूट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स. सो वो सिल्वर फिश होती हैं और वो थाइजेनोनूरा में आती हैं. और उनमें दे हैव द लॉन्ग एंटीने एंड दे हैव द सरकाए एंड ऑल्सो दे फीड ऑन द बुक बाइंडिंग एंड दे फीड ऑन द कार्डबोर्ड. सो बेसिकली ये था वो चार ऑर्डर्स जिनके बारे में आपको लोगों को मैंने छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दी और आपको याद भी हो गया होगा, आई होप. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियोस में मैं टेरिकोटा को कवर करूंगी एंड धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करते रहेंगे. एंड दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो, फाइन. एंड सब कुछ कवर होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन बिकॉज इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, फाइन. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. थैंक यू सो मच, बाय बाय.